हेलो गाइस, मैं विभा आपका अपने फ्लेवर फिश 24x7 चैनल में स्वागत है। मैगी बनाना और मैगी खाना सबका अपना अपना बनाने का तरीका है, अपना अपना खाने का तरीका है। इस मैगी को मैंने जिस तरीके से बनाया है आपको इस वीडियो में हम पूरा दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको हमने कैसे तैयार किया है, इसको तैयार करने का तरीका क्या है, तो आप देखिए इस वीडियो को हम कैसे इसको बनाएंगे। चलते हैं किचन में। मैगी तो आपने बहुत खाई होगी और कई प्रकार की खाई होगी, लेकिन जो तरीका हम आज आपको बताएंगे मैगी बनाने का वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप चाहें तो इस तरीके से बना करके और भी ज़्यादा आप उसको टेस्टी बना सकते हैं। तो इसको हमें बनाना किस तरीके से है, हमने क्या क्या सामान लिया आपको बताते हैं। ये थोड़े से मक्के के दाने हैं, स्वीट कॉर्न, और ये रेड वाली शिमला मिर्च है, ये ग्रीन शिमला मिर्च है, और ये बारीक कटा हुआ थोड़ा सा गाजर है, और ये छोटा छोटा कट किया हुआ प्याज है, और ये हरी वाली मटर है। इसमें जो भी आपके पास सामान हो आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी सब्जियां आपके पास उपलब्ध हो वो डालें। और ये मैंने एक पैकेट मैगी लिया है, और ये मैगी मसाला है, और भी जो भी इसमें मसाले पड़ेंगे वो हम बनाते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको भी अमेजिंग तरीका लगेगा, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसे खिली खिली बने। कोई भी कढ़ाई में हम एक पानी ले लेंगे और उसको बॉइल्ड होने के लिए रख देंगे। ये देखिए आप अच्छे से उबल रहा है। और एक ये स्टर्नर ले लेंगे, आपके पास छन्नी बड़ी हो या किसी भी तरीके से हो आपको ऐसे रख देना है, और इसी में इस मैगी को डाल देना है। तो आप देखिएगा इसमें जो भी स्टार्च होगा इसका वो नीचे निकल जाएगा। ये देखिए अच्छी से अलग अलग खिलने लगी है। इसका जो स्टार्च होता है वो इस तरीके से पानी में जब निकलने लगता है तो ये बहुत ही टेस्टी मैगी बनती है। अगर आप बहुत सारी बनाना चाहती हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत जल्दी बिलट जाती है अगर आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे। अगर इस तरीके से बना लेंगे छलनी में इसका स्टार्च निकाल करके, तो आपकी सारी मैगी बहुत खिली खिली बनेगी, चाहे जैसे आप उसको बना लें। तो ये प्रोसेस हो जाता है, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारी मैगी उबल चुकी है। अच्छा, आप कैसे समझेंगे कि आपकी मैगी रेडी हो गई है? तो इसका तरीका यही है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। आप देखिए बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। अगर आपकी ये मैगी कच्ची रहेगी तो ये सफ़ेद रहेगी। अभी आपने देखा था शुरू में हमने डाला था उस कलर से, इस कलर से आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, देखिएगा बहुत अंतर है। तो अब हमारी ये मैगी रेडी हो गई। गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे, अब हम इसको निकाल के दिखाते हैं आपको। ऐसे एक बाउल ले लीजिए आप, और उसके ऊपर रख दीजिए इसको, जिससे कि इसका जो पानी है वो नीचे से निकल जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी पानी है। अब इसका हम एक प्रोसेस और करेंगे। इसमें कोई भी जो फ्लेवरलेस ऑयल हो वो आप थोड़ा सा डाल दीजिए, ये बहुत ही स्मूथ हो जाएगी इसको डालने से। बस 1 से 2 चम्मच आपको डालना है, और इसको इस तरीके से फटाफट मिला देना है, और इसको अलग रख देंगे। अब हम कैसे बनाएंगे इसका सामग्री जो इसमें पड़ेगी वो कैसे बनाएंगे हम आपको दिखाते हैं। 2 से 3 चम्मच तेल ले लिया है, कोई भी ले लें, बस उसमें कोई भी खुशबू नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। इसमें कोई भी चीज़ इतनी भुनी नहीं जाती है कि वो पकने लगे, हल्का हल्का जब इसमें क्रंचीनेस रहता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, चाहे तो आप थोड़ा सा कट करके भी लहसुन डाल सकते हैं। सब्जियां जो हैं सब हम एक साथ डाल देंगे, क्योंकि हमने सब बराबर से काटी है और सब थोड़ा सा टाइम लेंगी, तो आप इसी हिसाब से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि एक साथ नहीं आप डाल सकते, आप आराम से एक साथ डाल दीजिए। फ्लेम को आप तेज कर लीजिए, जिससे कि ये सॉफ्ट भी हो जाए और हल्का सा पक भी जाए। तो इसमें पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक अभी इसके मसाले में भी है, मैगी मसाले में भी है, टमाटो में भी है, जो भी चीज़ें पड़ेंगी लगभग सब में नमक है। तो आप इसको इसी तरीके से थोड़ा सा नमक आपको डालना है, बहुत नहीं डालना है, थोड़ा सा मीडियम गैस करके आप इसको ढक दीजिए 1 मिनट के लिए, उसी बीच में दोबारा चला दीजिएगा। अभी देखते हैं इसको, जो भी सब्जी में पानी था उस सब्जी ने रिलीज कर दिया है। अब हमने 1 मिनट के लिए ढकने के लिए बताया था, थोड़ा सा आप और ढक दीजिए, थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। अब
लगभग हमारी ये सब्जी रेडी हो चुकी है। मसाले डालेंगे जो भी हमें डालने हैं, सॉस वगैरह सब। एक चम्मच ग्रीन चिली डालेंगे और दो चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे, एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे। ये मैंने सेजवान चटनी ली है, है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये मैगी मसाला है उसको भी डाल देंगे। ये बहुत टेस्टी मैगी बनती है, आप कितनी भी सब्जी डाल सकते हैं। इस समय सर्दियां आ गई हैं, अब सारी सब्जियां मिलेंगी मार्केट में, तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बंधा भी डाल सकते हैं। अब देखिए ये मैगी जो है, अब देखिए कितनी शाइनिंग है इस मैगी में। अब हम इस मैगी को डाल देंगे। देखिए एक कितना खिला हुआ बना है, ये देखिए कितनी खिली हुई बनी है मैगी और बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है मैगी में और बहुत शाइनिंग है, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है इसलिए। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, जैसे कोई पार्टी है, फंक्शन है, आप उसमें बना सकते हैं। खाने वाला भी खुश रहेगा और खिलाने वाला भी, क्योंकि उसकी तारीफ होने वाली है जो भाई बना के खिलाएगा। इतना टेस्टी नाश्ता तो उसकी बड़ाई तो होनी होनी है। अगर आपको इससे दिक्कत होती तो दूसरा तरीका हम भी आपको इसको मिक्स करने का दिखाई दे रहे हैं। आपको लेनी है और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मसाला मिक्स हो जाए, उसके बाद सब्जियां तो आप निकालते जाएंगे। सर्व करके दिखा रहे हैं, देखिए दिखा रहे हैं आपको कितना खिला खिला ये मैगी तैयार हुआ है। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगी तो आपकी मेहनत सफल हो जाएगी, क्योंकि बनाने के तो सभी लोग बस 2 मिनट में मैगी बनती है इस तरीके बनाते हैं, लेकिन कोई चीज कायदे से बनना और टेस्ट लेकर के बनना उसकी बात अलग ही हो जाती है। तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा जिस तरीके से हमने बनाई है। तो हमारी तो मैगी बनकर के रेडी हो गई है, अब आप अपनी मैगी बना करके रेडी कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइए, अपनी फैमिली में सबको खिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।